हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल मिशन एग्जाम। आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी हिंदी पुस्तक आउ गोटाए विषय आज इतवार है इले तुम षष्ठ श्रेणी रे सप्ताह सातटा जक बार नाम पढ़ी तो इतवार अर्थ कौन कहल रविवार। तो आज इतवार है अर्थ आज रविवार अटे। रविवार आम कौन कौन करूचे बेस करी नहीं टाइप रोटे विषय उपस्थापन करा जाए। तो ये मदन रानी दुज पा कथ कई से बजार को बापा माँ सहित जाठार से कमी बजार केमती सौदा कराए बजार केमती लोक मान सहित कथबार्ता कराए दुकान दुकानदार सहित केमती व्यवहार करवा तो जिनस गुड़ी केमती आम कि समस्त कथा ये। तो चलो हमें आपको पढ़िबा आज इतवार है। देखो पिले आज इतवार है स्कूल और दफ्तर बंद है। यह छुट्टी का दिन है। माँ बाजार जाती है। उनकी मदद करने को मदन भी कभी कभी चला जाता है। रानी को तो बाजार में घूमना अच्छा लगता है। वो पिताजी के साथ ले जाती है। सब मिलकर जरूरत की चीज़ें खरीदते हैं। कौन कौन देख से कौन आज इतवार है आज हूँ रविवार। स्कूल एवं दफ्तर बोले दफ्तर अर्थ हूँ ऑफिस। मन रख दफ्तर अर्थ कौन ऑफिस बोले स्कूल ऑफिस आज बंद अच्छे। आज हूँ छुट्टी दिन छुट्टी का दिन। माँ बाजार जाती आज करने मदन मध्य कभी कभी अर्थ केबे केबे बाजार जाए। तो रानी रानी को तो बाजार रे बुलाई बहुत भल लगे। से बापा सहित तो जाए समस्ते मिलमिशी दरकारी जिनस सब किणती। जरूरत अर्थ बोले दरकार दरकार जिनस गुड़िक सब किणती। जो जिनस गुड़िक दरकार आम से जिनस गुड़िक किणवा जो जिनस दरकार नाक आम किणवा। तो जरूरत अर्थ पे लिख दरकार दफ्तर अर्थ ये गोटे अच्छे लिख कौन ऑफिस आतवार अर्थ लिख रविवार। तापर देखिबा माँ सब्जी की दुकान में पहुँची। इस बाज़ार में ताज़ा सब्जियाँ मिलती है। माँ ने आलू प्याज बैंगन पपीता गाजर मूली परवल पालक कच्चा केला करेला मिर्च नींबू फूल गोभी आदि कई सब्जियाँ खरीदी। पहले देखो बहुत गुड़िए सब्जी ना दे तुम्हें षष्ठ श्रेणी में पढ़ी। तो चलो आपको अनुवाद करवा से कहते माँ पर दुकानी में पहुँचले। यही बजार रे तटका पनीपरिया मिले। ताजा अर्थ कौन तटका सब्जी अर्थ पनीपरिया लिखिदेव पिले। ताजा अर्थ हूँ तटका आ सब्जी अर्थ हूँ पनीपरिया। यही बजार रे ताजा बा तटका पनीपरिया मिले। माँ कण कण किणिले आलू आलू किणिले पी आलू तापर पियाज किणिले बैगण किणिले बुझ पिले पपीता अर्थ अमृतभंडा किणिले गाजर किणिले मूला किणिले परवल बेले पोटल किणिले पालक बेले पालंग साग किणिले कच्चा केला बेले कंचा कदली किणिले करेला अर्थ कलरा किणिले मिर्च लंका किणिले लिंबू किणिले फूलकोबी किणिले आदि कहीं सब्जियां खरीदी आदि केते गुड़िए प्रकार पनीपरिया सी किणिले। बुझे पिले ये सब अर्थ गुड़िक लेखिबो हला आलू अर्थ आलू प्याज प्याज बैंगन बैगन पपीता अमृतभंडा गाजर गाजर मूली मूला परवल अर्थ पोटल पालक अर्थ पालंग साग कच्चा केला बेले कंचा कदली करेला अर्थ कलरा मिर्च अर्थ लंका नींबू बेले नींबू फूलकोबी बेले फूलकोबी लिख बोले है लिखा आर पटे कौन दे। रानी को कई सब्जियां के नाम मालूम नहीं थे। उसने उनको पहली बार पहचाना। कौन कौन से कहते रानी को रानी रानी को केते गुड़े परिवार ना जाना ना थिला से ताको प्रथम थर पर चिन्हला। मदन हलवाई की दुकान में पहुंचा। रोज स्कूल के लिए टिफिन ले जाना पड़ता है। उसने कई मिठाइयाँ खरीदी। वहाँ शाश्वत मिल गया। उसने अपनी पसंद की मिठाई और नमकीन चीज़ें देखी। दोनों में बातचीत हुई। कौन कौन देख मदन हलवाई मदन हलवाई अर्थ हलवा दुकान आम जो कहे होटेल जोड़ा कहीपर कौन जो कौन मदन हलवाई अर्थ मीठा दुकान भी कहीपर मदन गोटे मीठा दुकान में पहुँचला। प्रतिदिन स्कूल से कौन करे टिफिन ने पड़े जलखिया ने पड़े तो से केते गुड़े मिठाई मीठा
କିଣିଲା। ସେଠାରେ ଶାଶ୍ୱତ ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ଶାଶ୍ୱତ କିଏ ନା ମଦନର ସାଙ୍ଗ। ସେ ନିଜର ପସନ୍ଦର ମିଠା ଆଉ କିଛି ଲୁଣ କିଛି ଲୁଣି ଜିନିଷମାନ ଦେଖିଲା। ବୋଲେ ଏଠି ଦେଖିବ ନମକିନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନମକିନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁଣି। ନମକ ଅର୍ଥ ଲୁଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନମକ ଅର୍ଥ ଲୁଣ, ନମକିନ ଅର୍ଥ ଲୁଣି, କିଛି ଲୁଣି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷମାନେ ସେ କିଣିଲା। ଆଉ ଦୋନମେ ବାତଚିତ ହୁଏ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଦେଖିବା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମଦନ କହିଲା, ମୁଝେ ତ ଭାଇ ଜଲେବି ବହୁତ ଅଛି ଲାଗତି ହେ ଶାଶ୍ୱତ। ଶାଶ୍ୱତ ପଚାରୁଛି ତାକୁ, ଆଉ ରସଗୁଲେ? ମଦନ, ହଁ ଉଏ ବି ଅଛେ ହେଁ, ପର ଜଲେବି ସେ ଜ୍ୟାଦା ନାହିଁ। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି? ମଦନ କହୁଛି, ମୋତେ ତ ଭାଇ ଜଲେବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଲେବି ଆମେ ଖାଇଥିବା ଖାଇଛୁ, ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇଥିବ। ଶାଶ୍ୱତକୁ ଯେ ଆଉ ରସଗୋଲା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି? ମଦନ କହୁଛି, ହଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଜଲେବି ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ନାହିଁ। ପିତାଜୀକୁ ଫଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେ, ଉନ୍ହେ ରାନୀକୁ ପାସ ବୁଲାକର କଈ ତରହକେ ଫଲ ଖରିଦେ। ବାଜାର କା ମାହୋଲ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଭିଡ଼ ଜ୍ୟାଦା ଥି, ଫିର ଭି ସବକୁ ଆପଣା କାମ କରନା ପଡ଼ା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କର ଫଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ସେ ରାନୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ କିଣିଲେ। ଖରିଦେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କିଣିଲେ, ଖରିଦନା ଅର୍ଥ କିଣିବା। ବଜାରର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କଲେ। ହମ୍ ସୋମବାର ସୋମବାର କୁ ସ୍କୁଲ ଯାତେ ହିଁ, ହମାରି କ୍ଲାସ ଟିଚର ରଶ୍ମି ଶର୍ମା ହମ ବଚ୍ଚୋ ସେ ପୁଛତି ହେଁ ଫଲ କଲ ତୁମନେ କ୍ୟା କ୍ୟା ଚିଜେ ଖରିଦି, ତବ ଏକ ଏକ ବତାନା ପଡ଼ତା ହେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ସୋମବାରରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛେ, ଯାଉଛେ ନା ନାଇଁ? ନିହାତି। ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯିଏ ରଶ୍ମି ଶର୍ମା, ଏଠି ସେ ମଦନ କହୁଛି, ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଶ୍ମି ଶର୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, କାଲି ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଲ? ସେତେବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପିଲା ଏଠି ଦେଇଛି ତଳେ, ଶିକ୍ଷକ ହରବଚ୍ଚ ସେ ପୁଛେ ଓହ ବୋଲେ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଏ ବିଷୟଟା ପଢ଼ାଯିବ, ତ ତୁମର ଏଇ ବିଷୟଟା ପଢ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ତୁମକୁ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ, ପିଲେ ରବିବାର ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଛ କହିଲ, ତ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବ, ବୁଝିଲ? ପିଲେ ଏଠି ଏଠି ତିନିଟା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇତବାର ଅର୍ଥ ରବିବାର, ନମକିନ ଅର୍ଥ ନମକ ଯେଉଁଟା ଲୁଣ ବା ଲୁଣି କହିବା, ମାହୁଲ ଅର୍ଥ ପରିବେଶ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏପଟେ କିଛି ଫଳମୂଳର ନାଁ ପଢ଼ିଲେ, ଏ ଫଳମୂଳର ନାଁ ବି ତୁମେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେବ, ବୁଝିଲ? ଫଳମୂଳ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ, ପିଆଜ ବେଙ୍ଗନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦପ୍ତର ଅର୍ଥ ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେବ, ଅଫିସ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲେ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲେ ନିହାତି ସେୟାର କର। ଆଉ ଟୋଟାଲି ତୁମେ ପିଲେ କେହି ସେୟାର କରୁନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ଅଧିକ ଅଧିକ ଟିକେ କର। ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପିଲେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ହେବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ତ ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।